हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अन अकेडमी यूपीएससी पर डेली मॉर्निंग मैं लेकर आता हूँ आपके लिए द हिंदू एनालिसिस। आज हम क्लास अपने समय से थोड़ा सा पहले कर रहे हैं क्योंकि दिन में मुझे है थोड़ा बहुत काम। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं, करते हैं हिंदू की एनालिसिस, है ना। एक दो एडिटोरियल कल के भी थे उनको भी कवर करेंगे और आज जो हेडलाइंस हैं उनको तो कवर करेंगे। आइए फटाफट से शुरू करते हैं अपना ये शानदार जानदार और है ना बेहतरीन सेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस पे है ना अन अकेडमी ऐप जो है वहां पर हमने एक नया सीरीज शुरू किया है कल से, एमसीक्यू का सीरीज है ना, प्रयास नाम से एक सीरीज हमने शुरू किया है। प्रयास में हम लोग स्टैटिक और करंट दोनों के एमसीक्यूज को कर रहे हैं 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे, है ना। 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे ये सेशन हुआ करेगा और यूट्यूब सेशंस तो आपके हैं ही, यूट्यूब पे आप जुड़ी सकते हैं मेरे साथ दुर्गेश नंदन सर अन अकेडमी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी जुड़िएगा, बाकी सारी चीजें आपको पता है। चलिए फटाफट से चलते हैं आज के है ना अपडेट्स की तरफ। सबसे पहला अपडेट जो आपको आज देखने को मिलेगा, हालांकि अंदर के पेजेस में है, फर्स्ट पेज में नहीं है, फर्स्ट पेजेस में जो भी न्यूज है उसको अभी हमने हाल के दिनों में डिस्कस किया हुआ है इसलिए आज अलग से डिस्कस नहीं करें। पॉल्यूशन है और आपका ओमिक्रॉन है वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार, तो आज उसको वापस से डिस्कस नहीं करें। लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट ऑफ लेसर फ्लोरिकॉन फ्रॉम राजस्थान ट्रेस्ड। लेसर फ्लोरिकॉन एक पक्षी है जो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पक्षी माना जाता है ना, स्मॉलेस्ट बर्ड, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बर्ड, और इसका लॉन्गेस्ट है ना माइग्रेशन रूट कहां से कहां ट्रेस किया गया है जी। इसका लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट ट्रेस किया गया है, इसका लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट ट्रेस किया गया है गुजरात से राजस्थान तक। ये देखो जी यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, अच्छा सॉरी, महाराष्ट्र से राजस्थान से महाराष्ट्र तक, नॉट गुजरात। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम राजस्थान टू महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये सबसे लंबा राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्टडी किया गया। स्टडी किसने किया, स्टडी किया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ने, है ना। तो स्टडी वाज डन बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देहरादून, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पक्षी है ना लेसर फ्लोरिकॉन, फ्लोरिकॉन में बंगाल फ्लोरिकॉन भी है, लेसर फ्लोरिकॉन है। लेसर फ्लोरिकॉन इज एंडेमिक टू इंडिया, है ना, इट इज एंडेमिक टू इंडिया, ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है और कहीं पर नहीं पाया जाता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, दिस इज एंडेमिक टू इंडिया। अगर मैं इसके IUCN स्टेटस की बात करूं तो इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसका वेट जो है वो 500 से 750 ग्राम के आसपास है ना। स्मॉलेस्ट बस्टर्ड है ये पूरी दुनिया में, एंडेमिक टू इंडिया है, ये मैंने आपको बताई दिया, बस इसके बारे में इतनी जानकारी रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, एमजी नरेगा की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी आपको। पहला इंपॉर्टेंट तो ये जो एमजी नरेगा स्कीम है जिसके बारे में हम पहले कई बार बात कर चुके हैं, आपको पता होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सप्लीमेंट्री डिमांड्स, है ना। तो दो चीजों पर चर्चा करेंगे यहाँ पे, एक तो सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होते हैं और दूसरा एमजी नरेगा क्या है, ठीक है। तो यहाँ न्यूज में क्या कहा गया है कि एमजी नरेगा सीक्स 25,000 करोर मोर, है ना। तो भैया मसला क्या है, मसला ये है कि एमजी नरेगा के तहत राज्यों को जितने पैसे आवंटित किए गए थे, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म भी नहीं हुआ, 4-5 महीने बाकी थे, उस समय ही ये पैसे खत्म हो गए, है ना। 4 महीने तो अभी बाकी है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, बट अभी 1 महीने पहले ही लगभग ये न्यूज आई थी कि इन सबके, है ना, ज्यादातर राज्यों के जो पैसे हैं वो खत्म हो गए, ठीक है। ये मैप आप देखिए, ज्यादातर राज्य या तो पैसे खत्म कर चुके हैं या 90% से ज्यादा स्पेंड कर चुके हैं। ये वाला मैप देखो जरा, लुक एट दिस मैप, है ना। तो जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं उन्होंने अपना 100% पैसा यूज कर दिया, तो ज्यादातर राज्य जो है वो 100% पैसा यूज कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर ने तो 158% यूज कर लिया, उत्तर प्रदेश ने 96% यूज कर लिया, आंध्र प्रदेश ने 131, मतलब जितना आवंटित था उससे 31% ज्यादा फंड यूज कर चुके हैं, है ना। तमिलनाडु 120। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि जितना आवंटित था उससे ज्यादा फंड यूज कर रहे हैं। तो उसकी दो वजह है सर, सबसे पहली वजह तो यह है कि डिमांड जो है वो ज्यादा है अभी, है ना।
एमजी नरेगा के तहत ज्यादा लोग काम करना चाहते हैं तो डिमांड ज्यादा है, ठीक है। दूसरी वजह क्या हुई सर, दूसरी वजह क्या हुई, दूसरी वजह ये हुई गुरु जी कि एमजी नरेगा के तहत एक तो डिमांड पहले से ज्यादा था, है ना, और यहीं पर दूसरी वजह ये हो गई कि जो फंड एलोकेशन है वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया, है ना, फंड एलोकेशन गवर्नमेंट ने कम कर दिया, तो दूसरी समस्या ये हो गई, डिमांड ज्यादा है पर आप फंड कम अलॉट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट ये हुआ। अब क्या रास्ता था भैया, कैसे फंड दिया जाए, क्योंकि ये सारे खर्चे जो होते हैं ये बजट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एमजी नरेगा को कितना आवंटन दिया जाएगा, बजट में इंट्रोड्यूस हुआ, बजट पारित हुआ मतलब पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया। अब वापस से ज्यादा पैसे चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की व्यवस्था होती है ना। तो सप्लीमेंट्री डिमांड क्या है जी, बहुत ध्यान से समझिएगा, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब ऑलरेडी जो आवंटित है, ऑलरेडी जो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव्ड है वो कम पड़ जाए, है ना, बजट सेशन के दौरान जो अप्रूव्ड है वो कम पड़ जाए तब। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है इससे, है ना, तो भैया एक तो सप्लीमेंट्री है, दूसरा एक एक्सेस ग्रांट भी होता है, वोट ऑन अकाउंट भी होता है, तो इन सभी से रिलेटेड दो आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116। 115 बात करता है सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स की, है ना, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स की, और 116 बात करता है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स की, ठीक है जी। तो आर्टिकल नंबर 115 सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात कर रहा है, भूलना नहीं है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है जी, हो जाएगा, है ना। चलिए अब दूसरी बात करते हैं एमजी नरेगा स्कीम के बारे में। एमजी नरेगा जो है वो एक रोजगार गारंटी योजना है, क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है आपको, एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, ठीक। दूसरी बात, 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के द्वारा, मतलब स्टैट्यूटरी बैकिंग है ना, स्टैट्यूटरी बैकिंग, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो सेमी स्किल्ड है, या सेमी स्किल्ड नहीं, अनस्किल्ड कहिए, है ना, जो अनस्किल्ड हैं, मैनुअल लेबर करना चाहते हैं, उनका इनकम को एनहांस करना, है ना, उनके जीवन यापन के लायक उनको, है ना, रोजगार उपलब्ध करवाना, किसको, अनस्किल्ड को, एडल्ट मेंबर्स, ठीक है, एडल्ट मेंबर्स जो ऐच्छिक रूप से काम करना चाहे, है ना, अपनी इच्छा से काम करना चाहे, किस प्रकार का काम है जी, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, तो स्किल की काम नहीं है यहाँ पे, आईटी प्रोग्रामिंग का काम नहीं है ना, वीविंग का काम नहीं है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जैसे डैम खुदाई कर रहे हैं, तालाब खुदाई कर रहे हैं, है ना, तो छोटा वो चेक डैम्स बना रहे हैं, इस तरह के अनस्किल्ड काम, ठीक है, मजदूर मिस्त्री वाला काम, तो इस तरह के काम के लिए ये स्कीम है। यहां पर सरकार गारंटी क्या देती है कि साल भर काम देगी, नहीं, सरकार गारंटी देती है कि मिनिमम मिनिमम हम साल में 100 दिन आपको काम देंगे। क्या 100 दिन हर व्यक्ति को काम मिलेगा, नहीं, 100 days ऑफ वर्क टू एवरी हाउस होल्ड नॉट टू एवरी पर्सन, 100 days ऑफ वर्क टू एवरी हाउस होल्ड नॉट टू एवरी पर्सन, मतलब प्रत्येक घर से, है ना, एक व्यक्ति को 100 दिन का काम मिलेगा, या अगर दो व्यक्ति काम करना चाहते हैं तो दोनों को मिलाकर 100 दिनों का काम, एक को 60 दिन का, एक को 40 दिन का, ठीक, बट 100 days आर मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है भैया, ग्रामीण इलाकों के लिए है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास है ना, इम्प्लीमेंटेशन किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास है। इस एक्ट का फीचर क्या है, सबसे पहली बात डिमांड ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन से क्या तात्पर्य है, मतलब सरकार आके आपको नहीं बोलेगी कि जी चलो तालाब खोदना है, चलो चलो चलो, नहीं, जब लोग कहेंगे, है ना, जो काम करने के इच्छुक है वो सरकार के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे मतलब यहाँ पे ग्राम पंचायत के पास जाएंगे और बोलेंगे कि जी हमें काम चाहिए, तो ग्राम पंचायत बताएगी कि फलाना काम कर लो, ढिकाना काम कर लो, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत इज बेसिकली मैंडेटेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days, है ना, मैंने जाके ग्राम पंचायत से कहा मुझे काम चाहिए एमजी नरेगा के तहत, तो 15 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत को काम उपलब्ध करवाना होगा, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ग्राम पंचायत मुझे बेरोजगारी भत्ता देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, और वेजेस का पेमेंट भी काम कंप्लीट होने के 15 दिनों के अंदर देना है, अगर डिले होता है ना, वेजेस का पेमेंट काम कंप्लीट होने के 15 दिनों के अंदर देना है, अगर डिले होता है तो 0.05% का कंपनसेशन देना पड़ेगा प्रति वर्ष, हाँ, प्रतिदिन, ठीक, पर डे। अब इस स्कीम के साथ, है ना, समस्याएं क्या है, तो
एक जनरलाइज समस्या जो सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में नहीं रही, है ना, 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में नहीं रही, नहीं तो हमेशा ये समस्या रहती है, बजट एलोकेशन जो है वो पर्याप्त नहीं है, है ना। जो वेज रेट यहाँ पे लोगों को दिए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, वेज के पेमेंट में अक्सर देरी हो जाती है, समय से पेमेंट नहीं मिल पाता, है ना। अभी जैसे इस बार भी बजट शॉर्टेज हो गया तो लोगों का पेमेंट पेंडिंग था जी, है ना। फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स, पेमेंट्स टू फिक्शस वर्कर्स, है ना, तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन वाला इशू है फिर यहाँ पे, ठीक है। डमी वर्कर्स को पेमेंट चला जाता था, हालांकि अब ये चीज काफी कम हो गई है। ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम यहाँ पर कुछ प्रभावशील, है ना, प्रभावी ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क, पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट्स क्रिएटेड, है ना, एसेट जो क्रिएट किए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं इस स्कीम के साथ है, ना, दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस स्कीम, है ना। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, है ना। मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, बोले सबसे पहले तो फंड का टाइमली एलोकेशन हो जाए तो आधी समस्या वही खत्म हो जाए। दूसरी बात है मिनिमम वेजेस जो है वो थोड़े ढंग के कर दें हम, और मॉनिटरिंग को थोड़ा और ज्यादा असरदार बनाएं, और ये एंश्योर करें कि रूरल हाउसहोल्ड, है ना, एंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउसहोल्ड एज पर डिमांड ऑफ द, जिस प्रकार की उनकी डिमांड है उस हिसाब से जॉब कार्ड का वेरिफिकेशन हो, है ना। ये जो फ्रॉड चल रहा है ना, फर्जी जॉब कार्ड बनवा के घूम रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और इफिशियंट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी हो, अगर किसी व्यक्ति का, किसी मजदूर का शिकायत है कि भैया पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट में डिले है, तो इन सभी, है ना, शिकायतों के लिए प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बने। एक और, है ना, यहाँ पर लास्ट में आप ऐड कर लीजिएगा, एक और चीज है, जो एसेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं एमजी नरेगा के तहत, उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि उन एसेट्स की क्वालिटी बढ़िया नहीं है, बस, है ना, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, क्वालिटी बढ़िया नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, एक ये भी समस्या है, इस पॉइंट को भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी। चले आगे, अगला है, ये हिंदू में एडिटोरियल है, शुड स्टेट स्टॉप फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, क्या स्टेट को पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस करना बंद कर देना चाहिए, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ना, हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आइए फटाफट से इसको देखते हैं जरा, है ना। बोले अभी इंडिया में चूंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया है ना, तो देखने को ये मिला कि टोटल फर्टिलिटी रेट घट गया हमारे यहाँ। तो टोटल फर्टिलिटी रेट घटने का मतलब क्या है, मतलब हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि अपने फैमिली प्लानिंग वो खुद से करें, है ना, फैमिली प्लानिंग को करें, फैमिलीज को मैनेज कर सके, फैमिली साइज को। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथा था उसके अकॉर्डिंग, है ना, विमेन चौथा मतलब इससे पहले वाला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज वेमेन वॉन्टेड 1.8 चिल्ड्रन, है ना। बट अगर 1.8 चिल्ड्रन चाहती थी पर ऐसा था नहीं, इसका मतलब कॉन्ट्रासेप्शन की गैप था, है ना, कॉन्ट्रासेप्शन उचित मात्रा में या तो उपलब्ध नहीं था या उनका एक्सेस नहीं था, है ना। तो 3% का कॉन्ट्रासेप्शन गैप, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है जो गर्भ निरोध के अलग अलग तकनीक होते हैं, चाहे दवाइयां हो या दूसरी तकनीक हो, तो उसमें 3% का गैप है ना। आप देखेंगे प्रति वर्ष भारत में 16.4 मिलियन एबोर्शन हो रहे थे सर, है ना। इसका मतलब कि लोग फैमिली प्लानिंग को सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं, ऐसे इस आर्टिकल में लिखा है, हालांकि मैं तो कहूंगा कि सीरियसली नहीं ले रहे, अगर सीरियसली लेते तो एबोर्शन की नौबत नहीं आती। आर्टिकल लिखता है कि इतने एबोर्शन हो रहे हैं जी, और है ना ये इच्छाएं थी, इसका मतलब कि फैमिली प्लानिंग को सीरियस लेते हैं, बट मैं तो कहता हूँ कि सीरियस नहीं लेते जी, है ना, या आधा अधूरा सीरियसनेस है ये कैसा सीरियसनेस है कि एक बार प्री फेल कर जाए दोबारा फिर तैयारी करें, है ना, कि कंसेप्शन हो गया फिर एबोर्शन करने की नौबत बता रही है, तो दिस इज नॉट सीरियसनेस, है ना। अब यहाँ पर जो फैक्टर थोड़ा बहुत भी, चलो 100% नहीं, बट थोड़ा बहुत सीरियसनेस तो आ रहा है ना, 1.8 चिल्ड्रन ही चाह रही महिला, तो क्या फैक्टर्स है, बोले शिक्षा, है ना, शिक्षा यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार हो रहा है, शिक्षा सबसे बड़ा यहाँ पर टूल साबित हो रहा है, एजुकेशन, पर्टिकुलरली वेमेन एजुकेशन। और अब चूंकि एजुकेशन, अब महिला कोई लड़की है मान लो, पहले उसकी 12वीं के बाद ही शादी कर दी जा रही थी, अब वो कॉलेज गई है, उसकी इच्छा हो गई नहीं पापा मैं एमटेक भी करूंगी, मैं एमएससी भी करूंगी, मैं बीएड करूंगी, मैं लॉ करूंगी, तो शिक्षा में जितना ज्यादा समय रही उसकी, शादी में उतना डिले हुआ, है ना, शादी में उतना डिले हुआ, उसको थोड़ा नॉलेज भी आया, अवेयरनेस भी आई, तो फैमिली प्लानिंग उसकी बढ़िया हो गई, है ना। हमेशा से सरकार की कोशिश रही पिछले कुछ दशकों में कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, है ना, उनको अवेयर किया जाए,
इन कंट्रोलिंग थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में तीन ही चीजें आती है, तीन चीजें डिटरमाइन करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को। पहला फर्टिलिटी है ना, फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी से ही डिटरमाइन होगा कि भैया कितने लोग आ रहे हैं इस दुनिया में, कितने लोगों की एंट्री हो रही है। मोर्टेलिटी है ना, मोर्टेलिटी कितने लोग जा रहे हैं दुनिया को छोड़ के, है ना। और तीसरा है माइग्रेशन, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या जो TFR में डिक्रीज है, टोटल फर्टिलिटी रेट में डिक्रीज है, इससे ये समझें कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो रहा है? जवाब है नहीं। केरल के अंदर, केरला राज्य में जो TFR है वो लो रहा है ना, बट वहां की पॉपुलेशन अभी भी ग्रो कर रही है, वहां का TFR डिकेड्स के लिए लो रहा है। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, TFR लो होने का मतलब ये नहीं है, मैंने ये तो नहीं कहा कि TFR नेगेटिव है, मतलब ग्रोथ तो है। दो बातों को समझिए, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि जी फलाना आदमी है, XYZ पर्सन है ना, पीटर है, पीटर की इनकम आजकल कम हो गई, पर मैंने ये नहीं बोला कि पीटर की इनकम डिक्रीज होने लगी है। मान लीजिए पहले पीटर की इनकम ऐसी थी कि एक साल में 1 लाख कमा रहा है, दूसरे साल में सीधा 2 लाख, तीसरे साल में 3 लाख, बट अब उसकी इनकम का जो बढ़ने का दर है वो कम हो गया। 3 लाख था तो 3,10,000 हो रहा है ना, अगले साल 3,15,000 हो रहा है, तो बढ़ने का दर बढ़ है ना, कम हो गया, बट निगेटिव नहीं है। अब यहाँ पे दो फैक्ट्स, एक तो बढ़ने का दर कम हुआ है ना, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है। अब किसी की इनकम है ना, किसी की इनकम मान लीजिए 30 करोड़ रुपए है, अब उसमें मैं बोलूं कि भैया 1% की वृद्धि हुई है ना, तो 30 करोड़ में 1% की वृद्धि तो बहुत हो गई ना। तो भारत की आबादी जो है वो 1.35 है ना, 1.35 बिलियन के आसपास, तो इतनी बड़ी आबादी है, तो छोटा है ना इनक्रीज भी जो है वो एक बड़ा नंबर देगा, एब्सोल्यूट फिगर जो आएगा वो बड़ा आएगा। तो TFR के कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। डेटा शोज 23%, ध्यान से देखिए, 23% ऑफ वेमेन आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 है ना, 23% वेमेन जो है वो 18 वर्ष की उम्र से पहले ही शादी कर दी जाती है, ब्याह कर दी जाती है, ठीक है। राजस्थान में एक कहावत है ना, 18 दी छोरी 21 रो छोरो तभी बांधो ब्यारी डोरी, है ना, लीगल एजेस जो है, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया को कोर्सिव पॉल्यूशन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर यूज करना चाहिए? तो इस एडिटोरियल में कहा गया, इस आर्टिकल में कहा गया नहीं, भारत की जो प्रेजेंट वर्तमान में जो पॉलिसी है ना, उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। केरला से जो डाटा है ना, डाटा फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु शोज कि TFR वॉज कंट्रोल्ड विदाउट कोर्सिव मेजर। तो अगर दो राज्यों में किया जा सकता है तो सभी राज्यों में किया जा सकता है, इवन इफ है ना कुछ स्टेट्स में निगेटिव ग्रोथ रेट आ जाए तो माइग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन को बैलेंस कर देगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या मेजर्स करने चाहिए भैया पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए? कोर्सिव मेजर नहीं यूज करेंगे, बट क्या मेजर यूज करें, है ना, लेट्स नॉट यूज कोर्सिव बट वॉट टू यूज। तो सबसे पहली बात है कि भैया बालकों के बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड करें। स्पेसिंग प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? अब एक बालक का, आज मान लीजिए 2021 चल रहा है, एक बालक का बर्थडे है 18th है ना, 18th अगस्त है ना, 18th अगस्त 2019, पता चला उसी परिवार में उस बालक का भाई या बहन दूसरी आई, उसका जन्मदिन है ना 20 जुलाई 2020 है ना, या 20 अगस्त 20 सितंबर, ठीक है, अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब एक बालक आया उसके 2-3 महीने बाद ही कंसेप्शन हो गया, फिर 9 महीने का समय लगा, दूसरा बालक, बोलेंगे स्पेसिंग होना चाहिए। तो डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती है कि कम से कम 3 वर्ष का गैप हो दो बालकों के बीच में, ठीक है। दूसरा गर्ल एजुकेशन पे है ना, गर्ल एजुकेशन पे फोकस हो और जो एज ऑफ मैरिज है उसको बढ़ा दिया जाए। अब आज के समाज में वो भिन्नता रही नहीं महिलाओं और पुरुष के बीच में, तो पुरुषों के लिए मेल के लिए 21 ईयर्स और लड़कियों के लिए 18 ईयर्स कोई मतलब नहीं है, तो एज ऑफ मैरिज जो है लड़कियों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। और इन्वेस्ट इन एजिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपल है ना, एजिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, सीनियर सिटीजन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अडॉप्टिंग कोर्सिव मेजर्स माइट टारगेट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड क्रिएट डिसहार्मोनी है ना, वैसे अगर टारगेट नहीं भी करेगा तो भी हो सकता है कॉम विशेष को बुरा लग जाए कि भैया ये कहीं हमें ही टारगेट तो नहीं कर रहे, तो इससे अच्छा है कि करो ही मत है ना, तो मध्यम मार्ग अपनाया जाए।
प्रोपोगेट एंड प्रमोट टेम्पररी स्टरलाइजेशन मेजर्स, है ना, टेम्पररी स्टरलाइजेशन मेजर्स कर सकते हैं, परमानेंट स्टरलाइजेशन नहीं करें, और साथ ही साथ अवेयरनेस हो अबाउट स्टरलाइजेशन मेजर्स सो दैट वुमेन डोंट एंड अप टेकिंग ऑल द बर्डन ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं स्टरलाइजेशन करवाती रहीं और है ना पुरुष बचते रहे, तो स्टरलाइजेशन पे थोड़ी है ना अवेयरनेस रहनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज रहनी चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाया जाए दैट ऑल्सो कवर्स एस्टिमेटेड है ना 600 मिलियन माइग्रेंट्स। दिस शुड बी बैक्ड बाय इंक्रीज्ड बजटरी एलोकेशन, है ना, बजटरी एलोकेशन बढ़े विच आर 6% ऑफ द हेल्थ बजट प्रेजेंटली। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, कंफर्टेबल हैं, समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए, बिहेवियरल चेंज ही फाइनली कुछ हो पाएगा ना, विदाउट बिहेवियरल चेंज नथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन और है ना व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब दुग्ध से संबंधित जो है, जैसे अमूल कोऑपरेटिव वगैरह, ये जो है ये व्हाइट रिवॉल्यूशन का हिस्सा था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आप लोग जानते ही हैं, एम एस स्वामीनाथन साहब वॉज द ब्रेन। व्हाइट रिवॉल्यूशन में श्रेय किसको दिया जा सकता है, वर्गीज साहब को, वर्गीज कुरियन, जिनका भी जन्मदिवस भी था, है ना। तो दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन का। आइए फटाफट से देखते हैं, बोले क्या डिफरेंस है जी। बोले सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय पर्पस क्या था, कंट्री में फूड शॉर्टेज हो रहा था, है ना, तो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो बढ़ाना चाह रहे थे हम लोग, है ना, एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ाना चाह रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे थे, जिससे कि शॉर्टेज ना हो फूड का। दूसरी बात जब आप व्हाइट रिवॉल्यूशन को देखेंगे, दुग्ध से संबंधित जो रिवॉल्यूशन है, वहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाना वाज नॉट द फोकस, वहां पर मेन फोकस था जो छोटे किसान हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, ऐसे किसानों की इनकम में ऑगमेंटेशन, ऐसे किसानों की आय में वृद्धि हो, तो वहां पे फोकस है इनकम वृद्धि। अब इनकम वृद्धि के लिए भले ही आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्या तरीका यूज किया गया, तो आप देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो मेनली टेक्नोलॉजी के अराउंड घूम रहा है, है ना, HYV सीड यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स का मास प्रोडक्शन होने लगा, फर्टिलाइजर्स के लिए फैक्ट्रीज बन बैठने लगी, है ना। आप देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे फर्टिलाइजर्स के लिए फैक्ट्री बैठ रही है इंडिया में, यूरिया प्रोडक्शन जो है वो है ना स्केल अप किया जा रहा है, डैम्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि सिंचाई की व्यवस्था की जाए, इरिगेशन कनाल्स बनाए जा रहे हैं, है ना, मोनोक्रॉपिंग को प्रमोट किया जा रहा है, है ना, मतलब इनपुट मैक्सिमाइजेशन किया जा रहा है, इनपुट ऑप्टिमाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डेवलप किए गए उस समय, ठीक, टेक्नोलॉजी के चारों तरफ घूम रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट जब आप व्हाइट रिवॉल्यूशन को देखेंगे तो दैट इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल एक्सरसाइज, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज अ सोशियो इकोनॉमिक एक्सरसाइज, है ना, सोशियो इकोनॉमिक एक्सरसाइज विच इज ड्रिवन बाय, है ना, जिसकी अगुवाई कौन कर रहे हैं, वहां पे टेक्नोक्रेट्स कर रहे थे, स्वामीनाथन साहब जैसे लोग कर रहे थे, यहां पर इनकी अगुवाई जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं, है ना, पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं और सहकारिता को डेवलप कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स को डेवलप कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे काम किया जा रहा है सर। किस चीज पर काम किया जा रहा है सर, इक्विटी को डेवलप कर रहे हैं, तो है ना सहकारिता इक्विटी पर काम किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक फेमस नाम है यहाँ पर, है ना, त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल, है ना, इनके विजन से, इनका जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का विजन था गुजरात के किसानों के लिए, ठीक है, गुजरात के किसानों की इनकम को ऑगमेंट करने के लिए, वो यहाँ पर काम कर गया, ठीक है। मीनवाइल IRMA यानी कि इंडियन सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, है ना, आनंद में है गुजरात में, जहाँ पे जिसकी स्थापना खुद कुरियन साहब ने की थी, जो अमूल के फाउंडर हैं, संस्थापक है, तो एक वर्कशॉप कन्वेन किया गया टू सेलिब्रेट 100th बर्थ एनिवर्सरी, है ना। अब इस वर्कशॉप में क्या आउटपुट आया देखते हैं, है ना, क्या इनसाइट्स प्रोवाइड किए गए। तो वर्कशॉप में सबसे इंपॉर्टेंटली बात हुई इंक्लूजन और इक्विटी पे, बोले गवर्नेंस में एंटरप्राइजेस को इस प्रकार से डेवलप करना है कि समावेशी हो और इक्विटी भी हो, ठीक है। बोले इनकम को, है ना, वेल्थ को जो वर्कर्स हैं उनको बढ़ाना है और स्मॉल एसेट ओनर्स जो हैं उन पर फोकस करना है। बोले एंटरप्राइज का सोशल साइड देखना है, सिर्फ इकोनॉमिक साइड नहीं देखना, जो सोशल फैब्रिक है ऑफ एंटरप्राइज दैट मस्ट बी स्ट्रेंथेंड वाया लर्निंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट, है ना, मेथड्स, ठीक। सॉल्यूशन मस्ट बी लोकल, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए जी, लोकल होना चाहिए रेदर देन ग्लोबल, ठीक है। तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से,
ना समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि है ना बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं एसी रूम में बैठकर है ना एक अप्रोच की बात करनी चाहिए, क्योंकि वन साइज फिट ऑल अप्रोच काम नहीं करता। तो लोकल समस्याओं का लोकल समाधान ढूंढना चाहिए। ठीक है, बोले साइंस यूज्ड इन प्रोसेस मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड यूजेबल। साइंस जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। ठीक है, ऑन ग्राउंड उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ये नहीं कि हवा हवाई बातें हो जाए। बोले जब सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सतत चलता रहे, तो एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन होगा, एक ड्रास्टिक रिवोल्यूशन नहीं आ सकता। ठीक है, टॉप डाउन ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज जो है वो काम करेगा, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए समझ गए, कंफर्टेबल। तो कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो यहाँ पे रिप्लीकेट नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली कैपिटलिस्ट मॉडल यहाँ पर है ना रिप्लीकेट नहीं किया जा सकता, समझ गए। चलिए दूसरा आर्टिकल जो है वो दिल्ली के पॉल्यूशन से संबंधित है, दूसरा आर्टिकल जो है वो दिल्ली के पॉल्यूशन से संबंधित है। तो दिल्ली के पॉल्यूशन से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में बोला कि भैया ये जो कमीशन बनाया है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए एनसीआर में, ये कुछ खास काम नहीं कर पा रही है ना। तो सीएक्यूएम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इसका जो परफॉर्मेंस है ये उचित नहीं दिख रहा। इट हैज बीन अनेबल टू टैकल है ना इंडिपेंडेंट कॉजेस, ठीक है, सॉरी, इट हैज बीन अनेबल टू टैकल इंटरडिपेंडेंट कॉजेस बिहाइंड एयर पॉल्यूशन ड्रिवन बाय अर्बन इश्यूज। एग्जाम्पल के तौर पे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में लाइफस्टाइल इंक्लूडेड है, पीपल है, सर्विसेज हैं। ठीक है, अब सोशल प्रोसेस जैसे कि सिटीज किस प्रकार से इवॉल्व कर रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो अब सिटीज इवॉल्व कर रही है तो आप देखेंगे वहां पे रेगुलेशन की बात आएगी, वहां पे कंजेशन की बात आएगी, कंजेशन को दूर करने की बात आएगी, है ना। तो सीएक्यूएम शुड फोकस ऑन सिटीज ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर्स कोलैबोरेशन बिटवीन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, है ना। और यही तो मुख्य उद्देश्य था कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ, मल्टीपल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके है ना आप एक समन्वय बिठा सके, जो कि नहीं होता दिख रहा है ना। अब यहाँ पर फिर एक केस स्टडी दिया गया है, बीजिंग से कंपेयर किया गया। बोले बीजिंग में क्या किया गया पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और क्या सिमिलैरिटी है दिल्ली और बीजिंग के बीच में, है ना। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन दिल्ली एंड बीजिंग, बोले दोनों ही है ना, दोनों ही शेयर थ्री स्टेज अप्रोच टू ट्रिकल एयर पॉल्यूशन एंड बोथ हैव कंपेरेबल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, थ्री स्टेज जो अप्रोच है पॉपुलेशन पॉल्यूशन कंट्रोल का, दैट स्टार्ट्स विद एड्रेसिंग एयर पॉल्यूटेंट एट सोर्स। सबसे पहले कहां, सोर्स पे ही कंट्रोल किया जाए, ग्रेजुअली मूविंग टू टैकल प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मतलब, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मतलब जो उसी फॉर्म में निकलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब दो अलग अलग पॉल्यूटेंट मिलकर एटमोसफेयर में फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं। तो प्राइमरी जो ओरिजिनल निकल रहे हैं, SO2 है, NO2 है, PM10 है, CO है, उनको टैकल किया जाए। फिर आती है बात सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की, PMX लीडिंग टू स्मॉग है ना। प्राइमरली PM2.5 बिकम्स मेन फोकस फॉर कंट्रोल विद रीजनल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हो गई, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल है कि डिफरेंस क्या है दिल्ली और बीजिंग के अप्रोच में। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो रिव्यू है बीजिंग की स्ट्रेटेजी का, है ना, उसमें कुछ चीजें पर हमें ध्यान देना चाहिए। बोले बीजिंग में एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है ना, मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है वहां की, और लोकल स्टैंडर्ड जो है, मापदंड जो है, वो भी तगड़े रखे गए हैं। स्पेसिफिक एनफोर्समेंट है, मैकेनिजम्स एंड पब्लिक अवेयरनेस है ना। एक नेटवर्क है अर्ली वार्निंग के लिए, है ना, और यहाँ तो अर्ली वार्निंग का कोई नेटवर्क ही नहीं है, सब कुछ हो जाता है उसके बाद भी सोच रहे हैं कि भैया करें क्या। ठीक है, एक नेटवर्क है अर्ली वार्निंग के लिए, इन केस ऑफ फॉरकास्टेड हैवी पॉल्यूशन वार्निंग्स आर इशूड 24 आवर्स इन एडवांस, है ना। बीजिंग में 24 घंटे पहले वार्निंग आ जाती हैवी पॉल्यूशन के अगर चांसेस हो। यहाँ तो महीना भर हो गया भैया हैवी पॉल्यूशन होते हुए, सीवियर कैटेगरी में चल रहा है फिर भी कुछ ना हो पा रहा है ना। बोले अप्रोच टू अर्बनाइजेशन, अप्रोच टू अर्बनाइजेशन, मेजर सिटीज इंक्लूडिंग बीजिंग रादर देन शटिंग डाउन इंडस्ट्रीज और रेस्ट्रिक्टिंग पर्सनल कार एंड ट्रैवल हैव टेकन अ डिफरेंट अप्रोच टू अर्बनाइजेशन। बोले यहाँ पे मिक्स्ड लैंड यूज पैटर्न पे काम हुआ है। ठीक है, इन सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, बीजिंग, ठीक है। तो बोले ज्यादा स्पेस प्रोवाइड किया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि जो मतलब नीड है, ट्रैवल नीड्स है, पर्टिकुलरली पर्सनल व्हीकल्स है, उसको रिड्यूस करता है। तो मोर स्पेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिनिमाइजेस द नीड ऑफ ट्रैवल। ठीक है,
एंड इन चाइना, अब दिल्ली गुड़गांव में देख लो, आप एक आदमी गुड़गांव में रह रहा है, नोएडा जा रहा है, रोज ट्रेवल कर रहा है, पर्सनल कार से पोल्यूशन नहीं होगा क्या, है ना? तो चाइना में 72% ऑफ ट्रेवल इज कंप्लीटेड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू 37% इन जापान, 17% इन यूरोप एंड 10% इन यूएस, है ना? तो चाइना में 72% जो है ट्रेवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। ठीक, फिर बात है सोर्स अप्रोप्रिएशन स्टडी की, है ना? ये तो जरूरी है ही, सोर्स अप्रोप्रिएशन स्टडी। अब जैसे फेजिंग आउट ओल्डर व्हीकल की बात हो रही है ना, मेड मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिल्ली, सोर्स अप्रोप्रिएशन इज स्टिल बींग डिबेटेड, है ना? इस पर अभी भी डिबेट चल रहा है कि क्या कार से पोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी तक यहीं पे अटके हुए। ठीक है, तो जब अटके हुए हैं यही नहीं, सोर्स अप्रोप्रिएशन ही नहीं हो पा रहा, तो मेजर्स कैसे लेंगे? इनोवेटिव, है ना, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स लिए जा रहे हैं वहां पर। ठीक, डिफरेंशिएटेड फी चार्ज किया जा रहा है। ठीक, और कोऑर्डिनेशन है, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशंस हैं, और यहाँ पर तो काम ही नहीं हो रहा, इवेल्युएशन क्या करवाइएगा आप? ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जी, ये सारी बातें हैं, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक लास्ट अपडेट देख लीजिए, ईयू यूरोपियन यूनियन प्लान कर रहा है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करें, है ना, उसके सामने कुछ खड़ा कर दें। तो एक नया, है ना, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ग्लोबल गेटवे प्लान यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसका नाम रखा गया ग्लोबल गेटवे प्लान, एम्स टू इन्वेस्ट 300 बिलियन, कितना, 300 बिलियन यूरो ग्लोबली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एंड क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स बाय 2027। दिस विल हेल्प स्ट्रेंथन हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी डिलीवर्ड विद हाई स्टैंडर्ड्स, है ना, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी वेल एंश्योरिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एट द सेम टाइम। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो कैसे काम करेगा जी ये? दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ टीम यूरोप अप्रोच। ठीक है, टीम यूरोप अप्रोच को यूज करेंगे यहाँ पे, जिसके माध्यम से, अब ये टीम यूरोप अप्रोच क्या है आप सोच रहे होंगे, व्हाट इज दिस टीम यूरोप अप्रोच, है ना, समझना पड़ेगा टीम यूरोप अप्रोच क्या है, जिसके माध्यम से जो फंडिंग है वो ईयू, है ना, के मेंबर्स और जो यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहां से आएगी। प्लान विल रिक्वायर बाइंस फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट सेक्टर एज वेल, मतलब मल्टी स्टेक होल्डर होगा, है ना, मल्टी स्टेक होल्डर होगा, मेंबर स्टेट्स, ईयू और प्राइवेट सेक्टर, सबको इन्वॉल्व किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा? दिस इज कंसिडर्ड एज एन ऑफशूट ऑफ बिल्ड बैक बेटर, है ना, अभी बाइडन साहब कह रहे हैं ना बिल्ड बैक बेटर, उसी का ऑफशूट माना जा रहा है। प्लान इज सीन एज अ यूरोपियन एफर्ट टू चैलेंज चाइना का बीआरआई इनिशिएटिव, है ना, जो कि चाइना ने 2013 में ही लॉन्च किया था। ठीक है, हालांकि थोड़ा लेट हो गए काउंटर करने में, 2013 में शुरू किया था, 2021 में शुरू कर रहे हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, कर तो रहे। चलिए आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है अपना दुर्गेश नंदन सर अनअकैडमी, है ना। अनअकैडमी ऐप पे एक नई क्लास हमने शुरू की है, रात्रि 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे, है ना, मतलब आज नहीं है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, प्रयास एमसीक्यूज, जिसमें कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को कर रहे हैं, तो उसमें जरूर से ज्वाइन करना है आप लोगों को। बाकी आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की जानकारी बता देते हैं फटाफट से, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है, मतलब जो फी है वो बढ़ने वाली है 9 तारीख से, तो इसलिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो 9 तारीख से पहले ले लीजिए। बाकी यूपीएससी कॉम्बैट कल संडे है, जरूर दीजिएगा, 56 क्वेश्चन 60 मिनट्स, है ना, तो यूपीएससी कॉम्बैट जरूर दीजिएगा, कॉम्बैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं DNLive, है ना। फ्री क्लासेस हो, पेड कोर्स हो, कहीं पे भी कोड पूछा जाए, है ना, तो DNLive डाल देना है आपको सीधा। ठीक है, और फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी की तरफ से अवेलेबल है, एक तो कॉम्बैट ही हो गया, एक T20 टेस्ट जो डेली होता है 7:30 बजे शाम को, एक 10 बजे सुबह, है ना, अभियान, तो ये सारे टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लोन की सुविधा अनअकैडमी की तरफ से अवेलेबल है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, सेम डे अप्रूव हो जाता है, कम से कम पेपर वर्क है, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना है, सेम डे सब कुछ हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, ऐसा लगेगा EMI दे रहे हैं, है ना, चलिए जीरो इंटरेस्ट EMI दे रहे हैं। बाकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसमें 1-to-1 पर्सनल मेंटोरिंग है, स्टडी प्लानिंग है, मींस कि आपके क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो वो सारा बेनिफिट है। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है सिर्फ जीएस का अगर लेंगे तो 44,000 का, 2 ईयर का 64,000 का है, और ये कब है, कोड लगाने के बाद, कोड आपको पता ही है, चाहे फ्री क्लासेस हो चाहे पेड क्लासेस हो, कहीं पे भी कोड लगाना हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरएएस हो, DNLive कोड लगा देना है।
अगर आइकॉनिक की बात करें तो 1 ईयर की फी है 67, 2 ईयर की फी है 1,04,000। कोड आपको सेम लगाना है यहाँ पे भी, डी एन लाइव, ठीक है। और ऑप्शनल की फी जो है वो है 24,750, कोड सेम लगेगा डी एन लाइव, ठीक है। तो आप ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, कॉम्बो ले लीजिए, 55,000 में आ जाता है। बैचेस शुरू हो रहे हैं 8 तारीख से, तो यू कैन ज्वाइन। 22 और 23 दोनों के बैचेस 8 तारीख से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक इट। टेक केयर गाइस, पीडीएफ आपको अभी शेयर कर रहा हूँ।